तो गैस एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ एक नया वीडियो में। तो गैस आज का वीडियो हमारे चैनल पर 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो स्पेशल वीडियो है 15K सब्सक्राइबर पे स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि 0 से लेकर 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में कितना समय लगा, क्या क्या प्रॉब्लम हमें आई, कैसे हमारे सब्सक्राइबर पर 15K सब्सक्राइबर से ज़्यादा कंप्लीट हुए, सारी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही चैनल पर 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो 15K क्या 50K सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया चैनल को। तो चलते हैं आज के वीडियो में, हम आपको ये बताएंगे कि 0 से लेकर 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में कितना समय लगा, क्या क्या सामना हमें करना पड़ा और कैसा वीडियो हम बनाते थे, तो वही सारी जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ साथ आपको 5 टिप्स ऐसा बताने वाले हैं जो आप अपने चैनल पर फॉलो करेंगे तो 101% आपका भी चैनल राकेट की तरह ग्रो होगा और जल्द ही 15K सब्सक्राइबर क्या 50K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे आपके चैनल पर, अगर आप 5 टिप्स फॉलो करेंगे जो आज हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में हमने भी यही चीज़ फॉलो किया और जिससे हमारा चैनल ग्रो हो गया और अब अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको मोटिवेट मिले, इस वीडियो से मोटिवेशनल मिले। और ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है, अगर आप इसे फुल वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी मोटिवेट मिल सकती है, इस वीडियो से मोटिवेट हो सकते हैं इस वीडियो से। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, नए यूट्यूबर हैं, हाल ही में आपका चैनल स्टार्ट हुआ है, तो ये वीडियो आपको 100% देखनी चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मोटिवेट हो सकते हैं इस वीडियो से। तो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो 101% आप मोटिवेट होंगे और आपका भी चैनल जाकेट की तरह ग्रो होगा। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाने से क्या होगा, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी हर वीडियो जल्दी फास्ट देख पाएं। तो गाइस जो पहला टिप्स है वीडियो, यानी आपको अपने चैनल पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज अपने वीडियो अपलोड किया उसके बाद 7 दिन बाद अपलोड किया उसके बाद 15 दिन बाद अपलोड किया, बिल्कुल भी नहीं यार। आपको कंटिन्यू लगातार 7-8 दिन वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना है, क्योंकि शुरुआत में जब हम वीडियो 1 दिन अपलोड करते थे, 4 दिन नहीं करते थे, फिर 5 दिन करते थे, फिर 10 दिन करते थे, इस तरह अपलोड करते थे अपने चैनल पे, तो हमारा भी चैनल ग्रो नहीं हुआ। लेकिन जब हमने कंटिन्यू वीडियो यार अपलोड करना शुरू किया तो उसके कुछ ही महीनों के बाद काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, चैनल भी मोनेटाइज होगा और आज भी मैं उसी रूल पे चल रहा हूँ और चैनल काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। तो जो पहला टिप्स है वीडियो, आपको अपने चैनल पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करना है, लगातार वीडियो अपलोड करना है, तो पहला टिप्स तो ये होगा। और जो गाइस दूसरा टिप्स है वो है कंटेंट और टॉपिक, यानी आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कैसा कंटेंट होना चाहिए। तो गाइस आपको शुरुआत में, अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं, नए क्रिएटर हैं, तो आपको शुरुआत में कोई अनेक टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शुरुआत में आपके पास कोई नया टॉपिक होगा नहीं, जो बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं उन्हीं को आप भी देखेंगे, मैं भी ऐसा करता था तो शायद आप भी ऐसा करेंगे, उन्हीं लोगों का वीडियो देखेंगे और यही सोचेंगे कि चलिए हम भी उसी पे वीडियो बनाते हैं। तो शुरुआत में आपका जो कंटेंट हो वो एक नीच पे होना चाहिए। अगर आप टेक पे वीडियो बनाते तो आप टेक पे ही वीडियो बनाएं, ऐसा नहीं कि आपने आज टेक का वीडियो डाला, कल ब्लॉग का डाला, परसों ऑर्केस्ट्रा का कहीं डाल दिया और नर्सों कहीं आप एनुअल फंक्शन में गए हैं वहाँ का वीडियो डाल दिया, ऐसे बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है यार। आपको एक नीच पे काम करना होगा तभी आपका चैनल ग्रो होगा, क्योंकि अगर आप एक नीच पे काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी ग्रो होने वाला नहीं है। तो आपको अगर टेक पे ही अच्छी तरीके से नॉलेज है, अच्छी तरीके से आप एक मोटिवेट अपने ऑडियंस को मोटिवेट कर लेते हैं, अच्छी तरीके से समझा लेते हैं, तो भैया आप टेक पे ही वीडियो बनाएं, 101% आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आपका चैनल ग्रो होगा। तो ये तो होगा दूसरा टिप्स। और जो तीसरी टिप्स है वो वीडियो की लेंथ, लंबाई, साइज। शुरुआत में अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो आपको शुरुआत में छोटी वीडियो बनानी चाहिए, लगभग 4 से 5 मिनट या फिर 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाएं तो और अच्छा है। शुरुआत में अगर 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको अगर शुरुआत में 9 से 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हम भी छोटी वीडियो बनाते थे तभी हमारी वीडियो चलती थी, अगर हम बड़ी वीडियो बनाते तो शायद बिल्कुल भी नहीं चलती, क्योंकि यार जो ऑडियंस होते हैं शुरुआत में आपके पास बहुत कम होते हैं और जो भी होते हैं उनको ये पता होता है, जो ऑडियंस होते भी हैं उनको ये पता होता
होता है कि आप बिल्कुल नए हैं, आपको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो शुरुआत में आपको छोटी ही वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपका वीडियो लोग देखें। अगर आप शुरुआत में 9 से 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे या 8 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल भी हो सकता है आपकी वीडियो वायरल ना हो या फिर पूरी ना देखें आपके ऑडियंस। तो शुरुआत में यार आप 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये तो है तीसरी टिप्स। और जो चौथी टिप्स है वो है थंबनेल। आपको अपने वीडियो पे थंबनेल अच्छा सा लगाना है। अगर आपका चैनल वेरीफाइड है तो आपको परमिशन मिलेगा थंबनेल लगाने का, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। अगर आपका चैनल वेरीफाइड है तो यार आप शुरुआत में एक अच्छा सा थंबनेल बनाएं, आप उसमें अपनी फ़ोटो भी डाल सकते हैं। अगर आप फेस वीडियो बनाते हैं तब तो आप अपनी फ़ोटो डालेंगे ही नहीं, डालेंगे ही। अगर फेस वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप सोचते होंगे कि अपनी फ़ोटो डालें या फिर ना डालें। आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए। लेकिन आप थंबनेल आपका अच्छा होना चाहिए, जो आप वीडियो में बताते हैं वो आप मोटे मोटे अक्षर में आगे थंबनेल पे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपके ऑडियंस को पता चले कि आपने वीडियो में क्या बताया है। और उसका जो साइज़ है थंबनेल के, उस पर भी आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में जो थंबनेल का साइज होता है वो आपको अच्छा ही रखना चाहिए। जैसे हमारा जो थंबनेल का साइज होता है वो 1920x1080 रखते हैं, तो आपको भी यही रखना चाहिए, 1920x1080 यही साइज आपको भी रखना चाहिए। तो ये तो हो गया चौथा टिप्स थंबनेल। और पांचवी टिप्स की अगर हम बात करें तो यार ये फेस और वॉइस ओवर। शुरुआत में हमें फेस वीडियो बनानी चाहिए कि वॉइस ओवर वीडियो बनानी चाहिए, लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं और चक्रिया जाते हैं और उनको लास्ट तक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार हम करें तो क्या करें, फेस वीडियो बनाएं या फिर वॉइस ओवर वीडियो बनाएं। क्योंकि शुरुआत में यार कैमरे के सामने फेस करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने आना शर्म उनको लगती है या फिर वो ये सोचते हैं कि यार हम बोल नहीं पाएंगे। तो शुरुआत में अगर वो फेस वीडियो नहीं बना पाते कोई बात नहीं, शुरुआत में हम भी फेस वीडियो नहीं बनाते थे क्योंकि हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैमरे के सामने बोलना अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, सही बोल पाएंगे या फिर नहीं बोल पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत में फेस वीडियो मत बनाइए, वॉइस ओवर ही बनाएं। लेकिन आपको वीडियो में वॉइस ओवर करना काफ़ी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप फेस भी नहीं बनाते हैं वॉइस भी नहीं देना चाहते हैं, केवल म्यूजिक लगा के काम चलाना चाहते हैं, तो भैया बिल्कुल ये नहीं चलेगा। आपको अपना फे वॉइस तो देना ही पड़ेगा, तो अपना वॉइस ओवर ही वीडियो बनाइए। हमारे चैनल का जो मोनेटाइजेशन जब अनेबल हुआ था तो केवल वॉइस ओवर ही हम वीडियो बनाते थे और इसी पे हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था, उसके बाद हमने फेस वीडियो बनाना शुरू किया। तो आप शुरुआत में वॉइस ओवर ही वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर यार ये 5 टिप्स अपने चैनल पे आप फॉलो करेंगे तो 101% आपका चैनल ग्रो होगा, इसी तरीका से हमारा भी चैनल ग्रो हुआ था। तो बस एक थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो था, हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको भी कुछ मोटिवेशनल मिल जाए इस वीडियो से, मोटिवेट आप भी हो जाए इस वीडियो से। तो बस आज की वीडियो में इतना, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।